और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको दिखाई देगा उनसे मिलने के लिए, उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा भी आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा उसके सर पर हाथ रखकर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ पर पहुंचा है। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोहान्सबर्ग से। तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं और देखिए जोहान्सबर्ग में किस तरीके से आरती की थाली सजाकर तमाम बच्चे अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज में उन बच्चों को लाड प्यार करते हुए आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन में ये मौजूदगी न सिर्फ कूटनीति के लिहाज से बहुत अलग है बल्कि क्योंकि अर्थव्यवस्था और ट्रेड व्यापार के लिहाज से भी बहुत अहम है। ब्रिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चीन जिसका नेतृत्व करता है और ऐसे में चीन की कोशिश ये रहती है कि दबाव में लाकर कंट्रीज़ को अपने फेवर में किया जाए और धीरे धीरे अपना शिकंजा जो है वो हर तरफ फैलाया जाए। अब ऐसे में ब्रिक्स की इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश न सिर्फ ये होगी कि चीन के प्रभाव को कम किया जाए बल्कि जो देश शामिल होना चाहते हैं उनकी भी मदद करता हुआ भारत दिखाई देगा, क्योंकि भारत की ओर से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जिस तरीके से संगठन के विस्तार की बात की जा रही थी वो विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें इंडोनेशिया सरीखे और भी देशों को शामिल करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन जोहान्सबर्ग से ये तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर तमाम जो इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है, भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं, उनका अभिवादन करते हुए बच्चों को आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जोहान्सबर्ग में मौजूद हैं। शी जिनपिंग चीन के जो राष्ट्रपति हैं, चीन के जो प्रीमियर हैं, उनसे भी मुलाकात होगी लेकिन किसी भी तरह की कोई द्विपक्षीय बात नहीं होगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की। अगर ये कहा जाए सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। अपने हाथों में भारत का झंडा लिए हुए आपको वो लोग भी दिखाई देंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक भी देखना चाहते हैं और आज वो गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचा है और उसके बाद स्वागत के लिए जो बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जिनमें खासतौर पर बच्चे भी शामिल हैं वो भी आपको दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी आपने देखा होगा चाहे दुनिया का कोई भी देश हो जहाँ पर उनका दौरा आ रहा हो वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग पहुँचते हैं वो इसी तरीके से हमेशा उत्सुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। जोहान्सबर्ग से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कोरोना काल के बाद ये पहली फिजिकल मीट यहां पर होनी है और इस लिहाज से भी ये बहुत खास होगी। सवाल हालांकि इस पर भी है कि क्या शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं क्या उनसे यहाँ पर मुलाकात होगी, क्या उनसे यहाँ पर बातचीत होगी। अभी तक आधिकारिक कोई इसका ऐलान नहीं हुआ है, कोई जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं आनी है, इस पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे हैं तो उनका स्वागत कैसे किया जा रहा है ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिये ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ये सिर्फ ब्रिक्स था, बाद में साउथ अफ्रीका और जुड़ गया और क्योंकि साउथ अफ्रीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो ऐसे में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहां पर भी पैठ बनाने की पीएम की ओर से लगातार कोशिश की जाएगी। और आपको बताएं इसके बाद पीएम ग्रीस भी जाएंगे और 40 सालों बाद ऐसा पहली बार होगा जब पीएम भारतीय पीएम ग्रीस का दौरा करेंगे और उसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट भी किया गया था। आप देखिए क्योंकि चाइना और रशिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चाइना और रशिया साथ साथ हैं। चाइना बैकडोर से रशिया की मदद करता है और रशिया चीन की मदद करता है और ऐसे में अब चीन की कोशिश ये होगी कि रूस की मदद से अब अपनी पैठ आगे बढ़ाई जाए।